नौकरी सूचना के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को प्रेस करें, बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार दोस्तों, हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का नोटिफिकेशन आया है CRPF भर्ती 2019 हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल पद के लिए, जी आपने 10वीं या 12वीं पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी दोस्तों 13/1/2019 रहेगी। इससे पहले पहले आपने आवेदन कर देना है और पूरी जानकारी के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जो आज का नोटिफिकेशन आया है CRPF की तरफ से आया है दोस्तों नोटिफिकेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रिक्रूटमेंट 2018 ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, आप ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसियों की बात करिए 359 वैकेंसी है जी, ठीक है जी, 359 वैकेंसी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ये वैकेंसी है जी, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, कांस्टेबल जीडी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है जी, हेड कांस्टेबल जीडी के लिए +2 पास होना जरूरी है जी। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, 18 से लेके 23 साल की उम्र जी आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम होगा जी, फिजिकल टेस्ट होगा जी, ट्रायल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा जी। अब डेट की बात करते हैं दोस्तों, 15/12/2018 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और इसकी लास्ट डेट 13/1/2019 है जी। इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है जी। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के ही अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।